Good afternoon, everyone. This is Dr. Bupesh once again from Dr. BKM Institutes. As I have already mentioned, please watch our videos till end. There would always be something to learn. So today I'm trying to record listening session, which normally we do not just as reading because we want our current online students to participate. But today I'm recording this session. Our contact number is 7696734256 for the best OIT coaching. You may contact us.

देर आर ट्वेल्व क्वेश्चन सो सिक्स क्वेश्चन में होते हैं तो नाइन सेन टू और एक्चुअल में जो आपको इंस्ट्रक्शन दिए है यही एक्जैक्टली exactly आपको करना होता है वट अब मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और ऑप्शन को नहीं रीड करना आई एम से ऑप्शन को नहीं रीड करना वट बिगेन हैनरीज स्पेशल इंटरेस्ट इन मैक्यूलर डी डी तो क्वेश्चन को जब मैं समझ के समझता हूँ तो मुझे पहली चीज द फर्स्ट थिंग दैट आई कैन अंडरस्टैंड टॉपिक इज अबाउट मैकुलर डी जनरेशन सो वट तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है इसको अंडरलाइन करूंगा मैं पेपर में कि स्पेशल इंटरेस्ट क्यों आया हेनरी का मैकुलर डी जनरेशन में फर्स्ट क्वेश्चन सेकेंड इन हेनरीज ओपिनियन वट इज द मोस्ट ट्रबलिंग एस्पेक्ट ऑफ द डिजीज कई सारे ट्रबलिंग एस्पेक्ट बोलेगा लेकिन मेरा क्वेश्चन है मोस्ट तो मेरे को वर्स्ट ढूंढना है यानी हेनरी का इंटरेस्ट क्यों आया हैनरी के हिसाब से सब सबसे ट्रबल सम पार्ट क्या है थर्ड हैनरी थिंगस दैट एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ विजन आर तो वीजन का जब लॉस होता है तो बाकी ट्रोमा क्या होते हैं वही अगर वीजन का लॉस होगा तो फाइनेंशियल ट्रोमाज भी आते हैं मेंटल ट्रोमाज भी आते हैं साइकोलॉजिकल ट्रोमाज भी आते हैं तो हमें सुनना है कि क्या ट्रोमा आता है हैनरी बिलीव मैकुलर डिजेनरेन पेशेंट इनिशियली कीप देयर फीयर्स टू दैम सेल्फ बिकॉज अपने फियर अपने अंदर ही रखते हैं दूसरों के साथ शेयर क्यों नहीं करते देखो टॉपिक पता लग गया मैकलोडी जनरेशन हेनरी का स्पेशल इंटरेस्ट क्यों आया हेनरी के हिसाब से सब सबसे ट्रबल सम पार्ट क्या है हेनरी को क्या लगता है ट्रोमा एसोसिएटेड विद लॉस ऑफ विजन कौन से ट्रोमा होते हैं मैक्लोडी जनरेशन के बाद पेशेंट इनिशियली अपने फियर्स क्यों नहीं डिस्कस करते वाई डिड हेनरी चूज हिज पेशेंट कॉल्ड जेनिफर टू टेस्ट हिज न्यू मैथड तो जेनिफर जहां पर नाम आएगा वो ध्यान रखना है हैनरी से डिजनरेशन इज अबाउट कैसे प्रिवेंट करना है सो so, अब लगभग आपके सिक्सटी फाइव सेकंड के आसपास पास ओवर हो चुके होंगे आपको टॉपिक पता लग गया मैकुलर डिजनरेशन है एक पेशेंट का नाम है जेनिफर और हैनरी का ये इंटरेस्ट है अब लास्ट में जैसे ही मतलब आपके लगभग सिक्सटी सेकेंड निकल जाएंगे इसमें फिर आपको दोबारा फर्स्ट क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है वट बिगेन हैररी स्पेशल इंटरेस्ट और सेकेंड क्वेश्चन भी आपके दिमाग में होना चाहिए मोस्ट ट्रबलिंग एस्पेक्ट क्या है डिजीज का सो so, ये दो क्वेश्चन आपके दिमाग में हमेशा रहने चाहिए तो so, पहले क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं और साथ साथ and... Okay. And in this so, अब यहाँ से आपका वो बोलना शुरू कर देगा इतने में आपका टाइम ओवर होगा वो बोलना शुरू करेगा अब मेरे को सारा ध्यान वहां पे रखना है अब मेरे मन में क्या चलना चाहिए अपनी मदर टंग में हेनरी का स्पेशल इंटरेस्ट क्यों है तो मैं साथ साथ ऑप्शन को पढ़ूंगा सींग द ऑप्शन इट हैड ऑन सीम द इम्पैक्ट इट हैड ऑन हिज फैमिली ट्रीटिंग मैनी पेशेंट्स ओवर थर्टी ईयर करियर ऑब्जर्विंग द आइसोलेशन दैट कम्स फ्राम द डिजीज तो तीन चीज़ों के कारण हेनरी का इंटरेस्ट हो सकता है या तो इसकी खुद की फैमिली में है या तो इसकी खुद की फैमिली में है या इसके इसको इसने पेशेंट्स को ट्रीट करते हुए इंटरेस्ट जगाया या फिर इसके कारण जो आइसोलेशन होती है तो मेरा ध्यान सारा इस पे रहना चाहिए कि इनमें से क्या आंसर हो सकता है अब मैं इसको चला रहा हूं मिस्टर चैपमैन फर्स्टली व्हाट वैक्यूलर डिजेनरेशन एंड हाउ डिड योर पर्टिकुलर इंटरेस्ट इन अबाउट Macular degeneration is actually the name given to a group of chronic degenerative retinal eye diseases that cause a distortion or progressive loss of a person's central vision, but leaves the peripheral or side vision intact. Say, if someone with macular degeneration was facing me now, they'd see my whatever he is saying. Please listen to it carefully. But in answer hai. answer is that why did special interest whatever he is you can read option read. Karte hai, ki family? your experience? Ke base pe aaya, ya logo ki isolation? Ke aaya. Legs, the area around me, but my, my face would likely be obscured by a dark or empty space. They experience a dreadful sense of being disconnected or cut off from everyday life. As an optometrist for 30 years, I've had my share of. का मतलब यही होता है कट का मतलब आइसोलेशन आइसोलेशन ही है दे हैव मतलब off, वो दुनिया से हो जाते हैं तो प्लीज आपको ये छोटे छोटे वर्ड्स समझने पड़ेंगे लेकिन मेरा स्पेशल स्पेशल वर्ड ये है है कि Henry का इंटरेस्ट क्यों है, देखते हैं। With life. As an optometrist for 30 years, I've had my share of cases, and every new patient is like a spark because the impact of each... every new case, every new case is like a spark. मेरा जो experience रहा है, उसमें every new case is a spark. यही है उसका special interest. यहाँ पे जो word use किया गया है, उसे कहते spark. जैसे वो कहते ना, वो एक एक सलमान खान की movie है Kick. वैसे ही spark word होता है. Spark means होता है कि मेरे को जो अपना spark आया है ना, वो यहाँ से आया. है. तो अब आप प्लीज ध्यान से सुनना थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है पेपर में इतना मुश्किल नहीं आना चाहिए बट अब हम किसी की लिसनिंग कर रहे हैं अब अब हमें उस अब ये सीखना है दिस दिस इज इज यू नीड टू लर्न तो पहला जो उसने बोला था ड्रेडफुल uh, आइसोलेशन की जगह एक वर्ड बोला था डिस्कनेक्टिंग और कट ऑफ पर वहां पे उसने स्पेशल इंटरेस्ट नहीं बोला फिर उसके बाद उसने कहा ट्रीटिंग मैनी पेशेंट्स ओवर थर्टी ईयर ऐसा कुछ बोला लेकिन ये स्पार्क वर्ड मेरे को मेन वर्ड लगा अभी सुनना दोबारा ध्यान से say, if someone with macular degeneration was facing me now, they'd see my arms and legs, the area around me, but my, my face would likely be obscured by a dark or empty space. they experience a dreadful sense of being disconnected or cut off from everyday life. as an optometrist for 30 years, i've had my share of cases, and every new patient is like a spark because the impact of each accumulates over time to a kind of oh, almost what you call a fixation, i guess. even after all these years, however, I was still shocked to hear my sister had recently been diagnosed. seeing 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 the 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 impact impact impact। line family connect main answer because लेकिन इसने इस sister का example बहुत बाद में दिया है दोबारा सुनते हैं अगर मेरे ख्याल से इसका आंसर ए और बी में से बी होना चाहिए लेकिन मैं फिर भी एक बार सुनने की कोशिश करता हूँ me now they’d see my arms and legs the area around me but my, my face would likely be obscured by a dark or empty space They experience a dreadful sense of being disconnected or cut off from everyday life as an optometrist for 30 years I’ve had my share of cases and every new patient is like a spark because the impact of each accumulates over time to because the impact of each accumulates over time every impact

I was still shocked to hear my sister had recently been diagnosed with macular degeneration. And because of that, I've now also seen firsthand what this terrible disease does to the entire family. What's the most challenging? I have seen on the first hand. What? There is something. A or B don't know there. A or B, it's not. Say if someone with macular degeneration was facing me now, they'd see my arms and legs, the area around me, but my my face would likely be obscured by a dark or empty space. They experience a dreadful sense of being disconnected or cut off from everyday life. As an optometrist for 30 years. I've had my share of cases and every new patient is like a spark because the impact of each accumulates over time to a kind of oh, almost what you call a fixation I guess even after all these years however I was still shocked to hear my sister had recently been diagnosed with macular degeneration and because of that I've now also seen firsthand what this terrible disease does to the entire family firsthand in the sense आई एम ऑल्सो सींग एट फर्स्ट हैंड मतलब मैं भी वो एक्सपीरियंस देख पा रहा हूँ जो मतलब वो ये कह रहा है कि अब मैं भी फेस कर रहा हूँ इस चीज को यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि उसका इंटरेस्ट इस कारण से आया ये कह रहा है कि अब, अब मेरी सिस्टर की फैमिली में आई एम ऑल्सो सींग इट एज फर्स्ट हैंड कि ये इम्पैक्ट फैमिली पे क्या डालता है लेकिन ये मेन रीजन नहीं है उसका मेन रीजन स्पार्क का रीजन है कि दिस स्पार्क का मतलब है शुरू कहाँ से हुई जैसे जब भी हम कहते हैं ना स्पार्क स्पार्क होते हैं चिंगारी एक इनिशिएशन पॉइंट होता है पर पेपर में यू विल नॉट गेट सच अ टफ क्वेश्चन दैट इज माय एश्योरेंस अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये वो वाला क्वेश्चन है जो तुक्के से ठीक होगा इट वुड बी कंप्लीट गैस वर्क ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको अपने आप को ट्रबल करने की प्लीज कोई जरूरत नहीं है सो so आप प्लीज स्ट्रेस अपने ऊपर मत लो इस क्वेश्चन के लिए आपको बिल्कुल भी ट्रबल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुश्किल क्वेश्चन है लेकिन अगर आप बात को समझोगे लेकिन हाँ फर्स्ट हैंड सुनने में ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पे आंसर ए बन गया तो बाय चांस आपने ए किया है तो भी कोई बात नहीं लेकिन यहाँ पे मैं आपको एग्जैक्ट बता रहा हूं मेरे हिसाब से इसका आंसर बी होना चाहिए क्योंकि फर्स्ट हैंड का यहाँ पे मतलब है कि अब मैं भी फेस कर रहा हूँ इस प्रॉब्लम को तो इंटरेस्ट जो स्पार्क का मतलब है बिगनिंग स्पार्क ईच केस इज लाइक अ स्पार्क तो उसमें बिगिन वर्ड भी कवर होता है और इंटरेस्ट वर्ड भी कवर होता है लेकिन चलो आगे चलते हैं इस क्वेश्चन को थोड़ा मुश्किल मानते हैं ओईटी की पकड़ से बाहर है

साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट इट कैन ऑफन ये ऑफन जैसे वर्ड को जरूर याद रखना है बिकॉज ये एलिमिनेशन में हेल्प करते हैं रीडिंग में भी मैंने आपको सिखाया है जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं ऑफन वर्ड का मतलब ज्यादातर कि साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ये जो ऑफन जनरेट करता है अगर वहां पे उसने ऑफन वर्ड नहीं बोला तो एलिमिनेट हो जाएगा द चेंजेस इट कॉजेज टू अ पर्सन डेली एग्जिस्टेंस जो डेली इम्पैक्ट तो डेली इम्पैक्ट साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट या अपने लव्ड वंस को ना देख पाना मोस्ट मोस्ट वर्ड पकड़ना है मुझे बस अब सारा ध्यान मेरा मोस्ट पे है Take a Chattak, patient of mine called robert he was 55 when he first noticed the symptoms blurred vision distortion of straight lines the effect on his life was profound and that's the tragedy of this disease he was working as a driving instructor then suddenly had to resign but still with the financial burdens of daily life his passion for carpentry or even basic reading fell by the wayside worst of all for robert was no longer being able to see his grandchildren's faces clearly worst worst ye tha ki wo apne grandchildren ka face nahi dekh paya yahi bola hai i hope yahi bola hai worst worst ka hai, most troubling Bound. and that's the tragedy of this disease he was working as a driving instructor then suddenly had to resign but still with the financial burdens of daily life his passion for carpentry or even basic reading fell by the wayside. Worse of all for Robert was no longer being able to see his grandchildren's faces clearly, which was obviously very upsetting. Unfortunately, he also experienced depression for a time. This may not happen to everyone, but it's certainly... Sorry. Ye dekho. Mere se ye jo traumas associated depression that he... इनएबिलिटी टू रिकॉग दंसर ये होना चाहिए मेरे हिसाब से अगर उसने ये आंसर नहीं दिया तो उसकी गलती है, because जिसने listening है उसको ये बनानी नहीं आई शायद आई एम नॉट श्योर क्योंकि यह तो यही आंसर होना चाहिए क्योंकि वर्स्ट वर्ड यही बोला है। मैं दोबारा करता हूँ His passion for carpentry or even basic reading fell by the wayside. Worse of all for Robert was no longer being able to see his grandchildren's faces clearly, which was obviously very upsetting. So, unfortunately, 100% so, A hi dena So, 32nd cancer I would consider as A, and 31st answer A B है. Let's go further.

विद मैनी अदर ये ये सच में डिफिकल्ट लिसनिंग है ऐसी लिसनिंग हमें प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये पढ़ने में भी ऑप्शन आपके एग्जाम में इतने मुश्किल ऑप्शन पढ़ने के लिए नहीं आ सकते तो प्लीज आई अंडरस्टैंड आपको अगर होमवर्क मिले आप जब ये करते हो आपका कितना दिल टूटता होगा बट यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दीज डिफिकल्ट लिसनिंग्स वैसे ये कहना चाहता है समटाइम्स ओवरलिड विद इन ऑप्टोमेट्री यानी ऑप्टोमैट्रिक जो होते हैं उनको अलग तरीके से दिखते हैं कॉमनली कंसीव्ड एज अ पार्ट ऑफ एजिंग प्रोसेस Less understood than with many other diseases. Unko log hi nahi hai. Chalo certainly more common than people realize. What can be done for patients such as Robert? This is a disease that's typically related to aging, which is the commonest risk factor, but it's certainly not a normal or inevitable consequence of getting old. So, although older people are generally more accepting of the extra baggage that comes with aging, it's still difficult for many to accept and discuss the changes associated with macular degeneration. There's a tragedy attached to any disease or illness, but vision loss also carries some major disruptions to a person's lifestyle. Abhi main vision loss. vision loss first line first point aging process keyword loss of vision The more accepting of the extra baggage that comes with aging it's still difficult for many to accept and discuss the changes associated with macular degeneration. there's a tragedy attached to any disease or illness, but vision loss also carries some major disruptions to a person's lifestyle, as well as mental hurdles, like few other diseases do. i feel that's something that can at times be neglected. there are support groups, but i'm talking on an optometrist level. my job is to. i'm talking on optometrist level. This is there is illness, some... but vision loss also carries some major disruptions to a person's lifestyle as well as mental hurdles, like few other diseases do. I feel that's something that can at times be neglected. Sometimes, are... sometimes neglect. Kar di hai. I'm talking on optometrist view. Abhi bolega poor groups, but I'm talking on an optometrist level. My job is to help diagnose and treat a patient, but what of their additional struggles?

ट्रोमा एसोसिएटेड तो उससे पहले इस पॉइंट को कवर कर चुका था तो बी मेरा आंसर नहीं होना चाहिए अब बस मेरा आंसर सी या ए में से होना चाहिए इसमें क्या है लेस अंडरस्टूड अब ये देखना है कि लेस अंडरस्टूड है या इक्वली अंडरस्टूड है एक बार दोबारा सुनते हैं कैरीज सम मेजर डिसरप्शन्स टू � My job is to help diagnose and treat a patient. But what of their additional struggles? That's where I'd like to place myself a little better and allow patients like Robert the freedom and availability to open up. Do patients ever volunteer to express their fears or frustrations? Everyone, but it's certainly more common than people realize. What can be done for patients such as Robert? This is a disease that's typically related to aging which is the commonest risk factor but it's certainly not a normal or inevitable consequence of getting old so although older people are generally more accepting of the extra baggage that comes with aging it's still difficult for many to accept and discuss the changes associated with macular degeneration there's a tragedy attached to any disease or illness. So basically else, there's no comparison naikya yedo then word there are cana asani many other diseases are less understood. तो ये वाला पॉइंट भी मुझे कहीं नहीं मिला मुझे सिर्फ ए पॉइंट ही मिला मतलब इसको मुझे ए के अलावा ऑप्शन को नहीं दिख रहा इस वाले क्वेश्चन में so, मेरे हिसाब से बी ए और ए अभी तक मेरे वो मैं आपसे बस एक दो क्वेश्चन थोड़ी ब्रेक हो रही होगी बट प्लीज एक दो क्वेश्चन और करते हैं बी ए ए अभी तक क्योंकि कॉमनली मिन्सकनसीव पहले बोला था और अब आप एक बार लास्ट टाइम दोबारा सुन लेना ट्रेजिडी एसोसिएटेड के बाद बस यही वाली लाइन बोली है देखना। So although older people are generally more accepting of the extra baggage that comes with aging, it's still difficult for many to accept and discuss the changes associated with macular degeneration. There's a tragedy attached Understanding to ...disease no or illness. But vision loss also carries some major disruptions to a person's lifestyle, as well as mental hurdles, like few other diseases do. I feel that if something. You're about, like few other diseases.

Some, sometimes can be neglected. Sometimes we say, overlooked, means neglected. Talking on an optometrist level, my job is to help diagnose and treat a patient. But what of their additional struggles? That's where I'd like to place myself a little better and allow patients like Robert the freedom and availability to open up. Do patients ever volunteer to express their fears or frustrations to you directly? अब जैसे ही वो ये पूछ रही है फियर्स की बात आ गई मैं समझ जाता हूँ ये वाला क्वेश्चन खत्म हो गया तो मैं इसका आंसर ए करता हूँ और आगे बढ़ जाता हूँ जब मैं यहाँ पहुंचता तो अब जब वो बोल रहे हैं तब तक मेरा सारा ध्यान यही है कि अब हेनरी बिलीव करता है कि पेशेंट शुरू में अपनी यही क्वेश्चन पहले पढ़ने का फायदा हुआ था जब जेनिफर आएगा तो नए मेथड की बात आएगी लेकिन उससे पहले अब यही क्वेश्चन चल रहा है कि शुरू में अपने फियर्स क्यों नहीं डिस्कस करते तो करतेयर टू एडमिट दैट दे हैव अ सीरियस कंडीशन डू नॉट फील कंप्लीटली कंफर्टेबल डिस्कसिंग देयर डिजीज

उनको लगता है कि छोटी छोटी सी 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 डिजीज है, है सी डिजीज है 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 इनिशियली उनको लगता तो यहां पे आप इस इतना छोटा सा सा वर्ड भी आपकी हेल्प कर सकता देखिए प्लीज ये क्वेश्चन मेरे को थोड़ा आसान लगा इसका आंसर अगर C निकलेगा क्योंकि तो इनिशियली बोला है और मेरे को सिर्फ इनिशियली सुनना है देखना in the beginning what i see is they're brave in the beginning but initially they often say there's always someone worse off and that's an admirable trait but reality soon rears its ugly head because macular degeneration doesn't result in total blindness sufferers are left with partial vision and i suspect that many patients may genuinely interpret this as being somehow less significant than total blindness like they do <laughs>

So, in... so they do not completely feel comfortable discussing their disease yet they do not feel like voicing matlab itna mushkil paper nahi aayega lekin is wale point ko abo, ab cover kar raha hai ki baad mein unko voicing matlab completely comfortable discussion ko usne voicing ka hai, voice word se bana hua word hai ki wo discuss karna pasand nahi karte lekin ye baad ki baat hai main dobara sunata hu aapko point ko for many to accept and discuss the changes associated with macular degeneration there's a tragedy attached to any disease or illness but vision loss also can ability to open up. do patients ever volunteer to express their fears or frustrations to you directly they do but in the beginning what i see is their brave face they often say there's always someone worse off and that's an admirable trait but reality soon rears its ugly head because macular degeneration doesn't result in total blindness sufferers are left with partial vision.

दे समवन एल्स हैज ऑफ समथिंग लाइक बोला उसने अब अब इस इस वाले वाले पॉइंट पॉइंट को को कवर कवर करेगा तो तो अगर ये इस वाले को भी हैं तो शुरू में पेशेंट यही सोचते कि उनकी डिजीज छोटी है डरने वाली कोई बात नहीं है तो ए पॉइंट भी नहीं आता बी भी नहीं आता लेकिन बी के बारे में रियालिटी जनरेशन से So it's imperative that we not only actively listen, but also encourage and support them to openly share their stories. Can you give us an example of how you've changed the way you treat your own patients? Okay. So up Jesse treat kibatagi, Jennifer ko did method kaise test kiya? She had a special kind of macular degeneration because of her negative reaction to her condition because her illness was worsening at a fast rate. Matlab, why did Henry choose his patient called Jennifer to test his new method? कि जेनरी को जेनिफर के ऊपर ही नया एक्सपेरिमेंट क्यों किया वाई वॉज जेनिफर मतलब जेनिफर में ऐसा क्या हो रहा था मतलब इसमें पेशेंट ये नेगेटिव तो, नेगेटिव क्वेश्चन है कि ऐसा क्या था कि उसने नया मेथड ट्राई किया कि उसकी इलनेस बड़ी तेजी से स्पीड से बढ़ रही थी नेगेटिव रिएक्शन के कारण या स्पेशल काइंड ऑफ या मैक्लोडिजनरे मैक्लोडिजनरेन अलग टाइप की थी तो मुझे सिर्फ इतना बताना है कि जेनिफर को अलग टाइप की थी या नेगेटिव रिएक्शन था

नरी चूज हिज पेशेंट होल्ड जेनिफर टू टेस्टन आपसे गलती क्या हो जाती है मतलब मैं आपकी बात नहीं कर रहा मैं सभी की बात कर रहा हूँ अगर हम लिसनिंग कर रहे होते हैं तो हम वर्ड मैच करने की कोशिश करते हैं और क्वेश्चन को भूल जाते हैं सबसे ज्यादा एम्फेसाइजिंग क्वेश्चन पे रखना है कि नया मैथड वर्ड जब बोलेगा नए मैथड में, में मेरा आंसर है तो अभी तक तो आंसर भी चल रहा है लेकिन नया मैथड देखते हैं यहाँ पे बोलेगा या नहीं बोलेगा सो so, अभी मैं दिखाता हूँ अभी तक आंसर तो भी है And yet, they're worried about voicing this. So, it's imperative that we not only actively listen, but also encourage and support them to openly share their stories. Can you give us an example of how you've changed the way you treat your own patients? Sure. I have a patient called Jennifer. She's sixty-two and has late stage neovascular or wet macular degeneration. Okay. This is caused by the formation of very fragile blood vessels which leak fluid and blood within and under the retina. It also leads to a rapid loss of central vision as opposed to special macular degeneration special sorry, special answer she had.

are blood vessels which leak fluid and blood within and under. Fun. change the way you treat your own patients sure i have a patient called jennifer she's 62 and has late stage neovascular or wet macular degeneration this is caused by the formation of very fragile blood vessels which leak fluid and blood within and under the retina it also leads to a rapid loss of central vision as opposed to the dry kind which is a far slower decline.

Neovascular wo leakage is you to it. by the formation of very fragile blood vessels which leak fluid and blood within and under the retina. It also leads to a rapid loss of central vision, as opposed to the dry kind, which is a far slower decline. Therefore, it came so as a ye great. Dry kind is wet kind. This is wet kind, hota hai, which is different from dry kind. Dry macular degeneration is a wet macular degeneration. Oxygenifer. In turn, making her a perfect prototype, if you will, sorry, sorry, in sorry, trying sorry, something and blood within and under the retina. It also leads to a rapid loss of central vision as opposed to the dry kind, which is a far slower decline. Therefore, it came as a great shock for Jennifer So, great shock. reaction is always a reaction to some action. Happens, so we're shocked it's reaction So and making her a perfect prototype, if you will, in trying something new. I... And this is what made her a perfect prototype in trying something new. So, it means, its answer is also B for me. It means, if I talk about listening from the beginning, 31st question was, I just wanted to see this much. There was confusion in A and B. But this was a question because it is difficult to catch the spark word. This question is difficult. Second question was absolutely easy. worst was that he was un unable to see uh, to uh, see the faces of family matlab unko dekh nahi pa raha tha then 33rd ka answer should be sometimes overlooked ye line bilkul saaf saaf boliye usse pehle ye bola commonly misconceived लेकिन ये misconceived word भी नहीं बोला था और likely same other disease बोला था तो यहाँ पे सिर्फ a option बन रहा था कि समटाइम्स हम निगलेक्ट कर देते हैं निगलेक्ट का मतलब ओवर कर देते हैं थर्टी फोर्थ का इनिशियली पेशेंट जो होता है वो अपने आप को ब्रेव शो करता है और उसको लगता है पार्शियल ही तो है तो डरने वाली क्या बात है लोग इससे ज्यादा सफर कर रहे एल्स हैविंग वर्सनिंग ऑफ तो समथिंग लाइक दैट बोल रहा था तो यहाँ पे उसने कंपैरिजन भी किया कि टोटल ब्लाइंडनेस से तो बेटर ही है तो शुरू में पेशेंट को ऐसा लगता है फिर जेनिफर वाले क्वेश्चन में सुना देते हैं, फिर हम लास्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं पूछूंगा कितने आंसर हमारे ठीक है कितने गलत है तो आप ऐसे जितनी मर्जी लिसनिंग प्रैक्टिस कर सकते हो मेन है एक लिसनिंग को दो तीन बार करो हर स्टूडेंट को जल्दी होती है सर और मेटीरियल दे दो यार मेटीरियल सब कुछ फ्री पड़ा है कोचिंग इज नॉट अबाउट मेटीरियल लर्निंग इज नॉट अबाउट मटेरियल लर्निंग इज आप मटेरियल के साथ कितना यूटिलाइज करते हो जो आपके पास रिसोर्सेज है उससे कितना सीखते हो दैट इज व्हाट कोचिंग इज ऑल अबाउट तो उसके लिए पेशेंस रखना पड़ता है सब कुछ हड़बड़ी में नहीं करना तो एक बार एक और सुनते हैं हम ये वाला ये वाला फिर उसके बाद ये चलेंगे टूEncourage and support them to openly share their stories कैन यू गिव अस एन एग्जांपल ऑफ हाउ यू हैव चेंज द वे यू ट्रीट योर ओन पेशेंट्स I have a patient called Jennifer. She's 62 and has late stage neovascular or wet macular degeneration. This is caused by the formation of very fragile blood vessels, which leak fluid and blood within and under the retina. It also leads to a rapid loss of central vision, as opposed to the dry kind, which is a far slower decline. Therefore, it came as a great shock for Jennifer, in turn, making her a perfect prototype, if you will, in trying something new. I allocated just an additional 10 minutes to each of her appointments and explained it was for an open discussion. This extra time gave me the opportunity to delve a little deeper into how she was coping with the rapid changes she was experiencing and gave her more freedom to discuss her concerns. The positive change in communication was extraordinary. So I adopted this for all my patients thereafter. So, what, if anything, can be Next, done? Henry says that preventing macular degeneration is prevent.

the positive change in communication was extraordinary so i adopted this for all my patients thereafter so what if anything can be done to help prevent macular degeneration research is ongoing and advancements in treatment are being made daily and this needs to continue but you can't leave it up to researchers i believe in what the individual can do this means that any ab normally to research ko continue karna hai best method eh? कि रिसर्च को कंटिन्यू करना है लेकिन क्वेश्चन को समझो हेनरी के हिसाब से क्या है तो हेनरी का मतलब है 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 आई बात समझनी नहीं, नहीं तो आंसर बी ही है. लेकिन अगर आप छोटी सी बात समझ जाओ कि वो बोल रहा है आई हेनरी के हिसाब से क्या है तो आप दोबारा सुनो जो तो बी आंसर मेरे हिसाब से अब नहीं हो सकता क्योंकि मुझे तो हेनरी के हिसाब से ढूंढना है आई के हिसाब से बस इतनी सी बात अगर आप सीख जाओ तो हमारे दो तीन मार्क्स और बढ़ जाएंगे The positive change in communication was extraordinary. So I adopted this for all my patients thereafter. यही reading करती है, तभी मैं कह रहा हूँ, when your marks will improve in listening, it will improve in reading. When they are improve in reading, it will improve in listening. ये बात को समझो, क्योंकि reading में भी जान के ऐसी बोलो होता है, कि author के हिसाब से क्या है, और आपको जान के अलग अलग नाम दिए होते हैं, और author वाली चीज को आप पकड़ नहीं पाते, क्योंकि वो inverted commas में दी होती है। तो यहाँ पे भी यही है कि ऑथर यानी हेनरी जो बोलने वाला है जो स्पीकर है उसके हिसाब से क्या है तो आई वाले वर्ड को पकड़ना है प्लीज इस छोटी सी चीज को नोटिस करो आपके अगर आप थ्री ट्वेंटी पे हो 350 पे तो वैसे ही पहुंच जाओगे इन छोटे चेंजेस से तो इतना आसान है इंप्रूवमेंट लिसनिंग और रीडिंग में सो वॉट इफ एनी थिंग एंड एडवांस इन ट्रीटमेंट टू रिसर्चर्स I believe in what the individual can do. This means that any difficulty with vision should never be dismissed as part of aging. In its early stages, macular degeneration may not result in noticeable visual symptoms, but it can be detected with an eye test. If people want to save their sight, I can't stress enough how crucial the early detection of any form of macular degeneration is. If people to do to I can't tell you how this means that any difficulty with vision should never be dismissed as part of aging. In any it, difficulty with vision should not be dismissed as a part of aging. Early stages, macular degeneration may not result in noticeable visual symptoms, but it can be detected with an eye test. If people want to save their sight, I can't stress enough how crucial the early detection of any how crucial the early detection of form of macular degeneration is the sooner that this disease is detected the earlier that steps can be taken to the help the sooner it is matlab, sakhe, matlab hai, sakhe, detect slow lo. progression and save sight through treatment and necessary lifestyle modifications thank you for sharing. So, you hear a clinical diet. The early detection of any form of macular degeneration is the sooner that this disease is detected, the earlier that steps can be taken to help slow its progression and save sight through treatment and necessary lifestyle modification. The earlier you see this disease, look, please, small, small words. And have daily reading, aap se, reading, or listening with you these things. play with you these things. Preventing means that preventing is done.

Detection, उसके बाद स्लोअर प्रोग्रेशन कर सकते हैं मतलब फिर प्रिवेंशन की बात नहीं कर रहा सो so, प्रिवेंशन के लिए तो है जितनी जल्दी आप पकड़ सकते हो वो उतना ही फायदा है तो so तो उसने बोला बोला उसमें आई नहीं बोला. इस simple method से आप eliminate कर सकते थे और और ये उसने में बोला treatment one lifestyle changes से आप प्रोग्रेशन को स्लो कर सकते हो तो मेरे हिसाब से आंसर ये हैं अब मैं आप सबकी हेल्प लूंगा और ऐसे आप लिसनिंग को प्रैक्टिस कर सकते हो बहुत सारी ऐसी पड़ी हैं तो इट्स नॉट अबाउट मेटीरियल इट्स अबाउट कोचिंग सो दैट इज वट आई ऑलवेज से रिपीट करो और अपने आप को जितना डीप लेके जा सकते हो थिंकिंग में उतना ही आपका फायदा है तो प्लीज आप मेरे को हेल्प कर दो आंसर जानने में थर्टी फर्स्ट इज ए और बी बट हैज मोर चांस सर बी थर्टी सर सेकेंड शुड बी ए सर चेंज चलो सी uh, वैसे होना नहीं चाहिए क्योंकि उसने बोला था ये मैं आपको करवाता हूँ दोबारा लेकिन उसने अच्छे से बोला था वर्स्ट पार्ट इज अनेबल टू सी शायद आप सबने भी यही किया होगा इसमें मुझे डाउट नहीं है लेकिन होना नहीं चाहिए था ये गलत आप सबने क्या किया था थर्टी सेकेंड का so, मैंने थी, कैसे किया मैम

कि मेरा ध्यान होगा वर्स्ट पे और अगर वैसे तो ठीक बात है, और सी में सा फर्क होता है लेकिन अगर वो अपने लोगों को देख नहीं पाएगा तो भी नहीं कर पाएगा तो मतलब ऑप्शन तो मतलब में, में ऐसा नहीं कह रहा गलत सोचा और अगर बेस पे आपने सी किया तो कोई बात नहीं लेकिन वैसे हमें ये भी समझना है कि सुपरलेटिव डिग्रीज बोलते हैं इसको मैम वही जो ग्रेटेस्ट हाइएस्ट वर्स्ट मोस्ट तो जो वर्स्ट पार्ट था वो यही था कि वो अपने ग्रैंड सन्स को नहीं देख पाएगा सो so, देख नहीं पाएगा ऑब्वियसली ही विल नॉट बी एबल टू मीट देम रिकॉग्नाइज देम तो हाँ वैसे छोटा सा फर्क है लेकिन हाँ वैसे ए ही मेरे हिसाब से बेटर आंसर था चलो आगे देखते हैं और थर्टी थर्ड ए सर ए सर बिल्कुल इसमें तो क्योंकि बी और सी तो बोले नहीं इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी और थर्टी फोर्थ में भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी मेरे को सी होना चाहिए और कुछ था ही नहीं थर्टी yes, फिफ्थ yeah. में क्या था क्योंकि ये B, दो B, दो B. और बी लेकिन बी पे उसने कहा था वो शोक हुई तो दैट वाज वेरी ओब्वियस की शोक होने के कारण ही जो उसका नेगेटिव रिएक्शन था देन कमिंग ऑन टू द आंसर करंट रिसर्च तो, तो ने की थी और इससे तो प्रोग्रेशन को स्लो कर सकते हो मेरा क्वेश्चन प्रिवेंटिंग के ऊपर है तो प्रिवेंटिंग का तरीका तो यही है कि आप प्रिवेंटिंग का तरीका ये है कि रेगुलर चेकअप करवाओ रेगुलर चेकअप करवाते रहो तो मतलब अगर आप इसमें से सिक्स में से अगर इतनी मुश्किल लिसनिंग में से अगर आप थ्री या फोर भी ठीक करते हो तो आपकी लिसनिंग अच्छी है थ्री या फोर भी ठीक करते हो तो कोई बात नहीं अगर आप पांच ठीक करते हो यू आर वेरी गुड अब बस सीखने के पॉइंट्स के अगेन बिफोर आई एंड ऑफ दिस स्टोरी ऑफ लिसनिंग रीडिंग और लिसनिंग में कोई फर्क नहीं होता बस ऐसे ये वाले क्वेश्चन होते हैं ऐसे ही रीडिंग में क्वेश्चन होते हैं अकॉर्डिंग टू हेनरी तो वहां पे जान के आपको सेम डाटा दिया होता है आपको लगता है यार कंटिन्यूइंग रिसर्च वाला ही कर देते हूं क्योंकि वो दिया हुआ है लेकिन हमने हेनरी के हिसाब से बताना है जेनिफर के ऊपर नया मेथड क्यों ट्राई किया न्यू मेथड पे फोकस है वो जान के आपको इस तरफ खींचेगा कि वेट है ये होता है वो होता है और इसमें आ, क्या फ्रेजाइल वेस्कुलर चेंजेस होते हैं तो मतलब आपका ध्यान अट्रैक्ट करेगा कि आप ये करो लेकिन आपको स्ट्रोंग रहना है कि न्यू मेथड कब क्यों ट्राई किया तो ये जैसे इसमें मैं तभी कह रहा हूँ इसका आंसर ए ही रखो चाहे आपसे गलत हो जाए लेकिन वर्स्ट वर्ड को पकड़ के रखो कि मेरा वर्ड है वर्स्ट वर्स्ट में उसने बोला है वर्स्ट बींग इज दैट ही विल नॉट बी एबल टू सी द फेसिज ऑफ हिज ग्रैंड चिल्ड्रन तो वो अपने लव्ड वंस के नहीं देख पाएगा इसको ए ही रखो तभी आप सेफ रहोगे और ये वाला क्योंकि ये दोनों बोले नहीं थे और ए बहुत मुश्किल ऑप्शन था बाय चांस आपने ए गलत थर्टी फर्स्ट गलत किया तो कोई बात नहीं लेकिन पॉसिबल था So this is Dr. Bupesh from Dr. BKM Institute. Please listen to this recording. I know it's very troublesome to get bored. Like everybody who has become successful has, has has bored, has got bored. So please don't worry about getting bored. Just give your best shot. That is what is the main thing. So again, this is Dr. Bupesh from Dr. BKM Institute. And please subscribe our channel if you have not. Thank you.